Hello everyone. Welcome to our channel NEET UG in 10 bite-sized videos for NEET UG. इस चैनल पर आपको अगले 10 मिनट में AC सर्किट थ्रू प्योर इंडक्टर के टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा. उन पे बेस एक दो क्वेश्चंस भी देखेंगे. हर छोटा छोटा पॉइंट आपको बताया जाएगा. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. Let me introduce about myself. Myself Anshul Valicha, alumni of IIT Guwahati, NET JRF Gate JAS JAM qualified, ex faculty Akash Institute Delhi South Ex branch, Allen Career Institute Chandigarh, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus year. Unacademy is the best online learning platform. Unacademy ke plus subscription lene ke kya kya benefit milte hain? Daily live class rahegi, interactive class hoti hai jisme aap educator ke sath discuss. स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहेगा इन लाइन विद द सिलेबस ऑफ द एग्जाम. लाइव टेस्ट और क्विजेज रहेंगे टू इवेल्युएट योर परफॉर्मेंस. अनलिमिटेड एक्सेस, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर. एक बार आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा. जितने इंडियाज बेस्ट टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं, आप उन सबकी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस अपने कंफर्ट के हिसाब से एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर एक्सेस कर सकते हैं. अगर मैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करूं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच मिलेगा वन ऑन वन गाइडेंस के लिए, स्टडी प्लानर होगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान मिलेगा और बाई वीकली रिव्यूज होंगे, टेस्ट एनालिसिस इन डेप्थ होगा टू इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम, एंड ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. फी स्ट्रक्चर की बात करूं, आइकॉनिक का वन ईयर का फी 45,000 है, टू ईयर का फी 51,000 है. वैसे ही आप मेरा कोड यूज करके लाइव एवी इज माई कोड, आपको 10% ऑफ मिलेगा सब्सक्रिप्शन प्राइस पे. तो वन ईयर का फाइनल फी 40,500 मिलेगा, टू ईयर का फाइनल फी आप फाइनल फी कितनी देगी बेटा 54,900. बहुत जल्दी सब्सक्रिप्शन प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं. यू आर एडवाइज्ड कि आप जल्दी से जल्दी अपना सब्सक्रिप्शन ले लें अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद आप अनअकैडमी की सारी बेस्ट चीजें आपको सब्सक्रिप्शन के बाद ही मिलेंगी. प्लस सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, प्लस सब्सक्रिप्शन में वन मंथ की फीस है, थ्री मंथ इनके है, सिक्स मंथ वन ईयर की फीस ठीक है, टू ईयर की फीस. बट जैसे आप मेरा कोड यूज करते हैं लाइव एवी, आपको फीस 10% के डिस्काउंट बाद वन ईयर की हो जाएगी, टू ईयर की फाइनल हो जाएगी 32,400. अनअकैडमी ऐप के लिए आपको करना क्या, प्ले स्टोर पे जाना है, अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉलेशन करना है, उसके बाद आप अनअकैडमी सारी चीजों कर पाएंगे. डिटेल में एक्सेस करने के लिए सारी चीजें, लाइव क्लासेस रेगुलरली किसी भी टीचर की लगाने के लिए आपको प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना है. सब्सक्रिप्शन के लिए ध्यान रखना लाइव एवी इज माई कोड, इस कोड से आपको फी में 10% का ऑफ मिलेगा. आज का जो हमारा टॉपिक है एसी सर्किट थ्रू प्योर इंडक्टर ओनली, एसी सर्किट थ्रू प्योर इंडक्टर ओनली क्या है बेटा? ये मेरे पास एक इंडक्टर है एल, इसको हमने एक एसी सोर्स से लगाया. वो इक्वेशन वोल्टेज की ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है. अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमने इंडक्टर पे लगा दी है. तो सच ए सर्किट है इज नोन एज प्योरली इंडक्टिव सर्किट. The alternating EMF or voltage applied is given by E is equal to E naught sin omega t or V is equal to V naught sin omega t. Omega आपको पता ही है 2 pi nu या 2 pi f होता है. Inductor का काम होता है oppose the growth or decay of current in the circuit. Current के decay और growth का क्या करता है बेटा? Oppose करता है. अब आपको पता होना चाहिए, अब कोई potential drop नहीं है, तो I will write it like E is equal to L di by dt. E is equal to L di by dt. तो यहाँ पर मैंने वो इक्वेशन लगाई तो E L di by dt आ गया. यहाँ से मेरा di by dt E by L आ गया. अब di by dt E by L था, मैंने E की इक्वेशन लिख दी E naught sin omega t. तो यहाँ से मेरे पास ये di आ गया. अब मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किया तो मेरा यहाँ से I की वैल्यू आ गई. जैसे ही मैंने I की वैल्यू लगाई ठीक है, तो मेरी I की वैल्यू इतनी आ गई, I is equal to E naught by L minus cos omega t by omega. तो यहां से आप ये देख सकते हो कि नहीं है कुछ,
इसके बाद आपने इंटीग्रेशन किया, ये स्टेप आ गया, उसके बाद साइन का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कोस ओमेगा टी बाय ओमेगा, तो यहाँ से ये रिजल्ट आ गया। अब आप यहाँ से अगर आप इसको कंपेयर करो, अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो आई नोट, आई की जो पीक वैल्यू आ गई ई नोट बाय ओमेगा एल आ गई, तो इसको आप आर बोल सकते हो या एक्सएल बोल सकते हो, आर या एक्सएल बोल सकते हो। एक्सएल का मतलब क्या है बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस से मतलब, एक्सएल का मतलब किससे है, इंडक्टिव रिएक्टेंस से एक्सएल का मतलब है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कितने का फेज डिफरेंस आया, पाई बाय टू का, क्यों, क्योंकि एक साइन में है एक कोस में है। कोस को आप ऐसे लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, तो फेज डिफरेंस आपका कितने का आया बेटा, पाई बाय टू का आ गया। इस केस में करंट और ईएमएफ में फेज डिफरेंस पाई बाय टू का है, ईएमएफ आगे चलती है, करंट पीछे चलता है इंडक्टिव सर्किट में। करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय ए फेज ऑफ पाई बाय टू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फेजर डायग्राम। अब अगर मुझे फेजर डायग्राम देखना हो बेटा, ये अगर करंट है, मैंने जो अगर इधर ईएमएफ ली कितने के एंगल पे, मेगा टी के एंगल पे, तो आपका जो करंट आएगा वो यहाँ से पीछे आएगा, ये आपकी करंट की इक्वेशन हो, करंट 90 डिग्री आपका पीछे आ जाएगा, ये आपका फेजर डायग्राम, करंट लेग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय फेज ऑफ पाई। अब यही डायग्राम मैंने बनाया, मेरी ई की जो इक्वेशन थी वो थी ई नोट साइन ओमेगा टी, और जो करंट की इक्वेशन मैंने मान ली वो मान ली आई मैक्सिमम, आई एक साइन में है और एक किस में बेटा, कोस में है, करंट पीछे चल रहा है, तो आई विल राइट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ये दोनों इक्वेशन को मैं ड्रॉ करके बनाया। अब देख लो यहाँ पर वोल्टेज, जहाँ पर करंट जीरो है वहाँ वोल्टेज मैक्सिमम है, या जहाँ पर करंट जीरो है वहाँ पर वोल्टेज कैसी होगी, मिनिमम होगी, फेज डिफरेंस 90 का ये मतलब है। इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करूं, इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्सेल से लिखते हैं। अभी हमने देखा है एक्सेल इज गिवन बाय क्या था, ओमेगा एल, और ओमेगा 2π μ होता है। तो जैसे आपने इसको सोल्व किया, एक्सेल का आपका ये फॉर्मूला था, कंपेयर करने से मैंने वहां से एक्सेल की वैल्यू ओमेगा एल निकाल ली। यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो, अगर आपको एक्सेल और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ पूछ ले, एक्सेल में और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ पूछ ले, ग्राफ कैसा आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन आएगा, तो इस ग्राफ का स्लोप आपको पाई एल दे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और डीसी की अगर मैं बात करूं, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी जीरो होगी, फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो एक्सेल जीरो होगा, एक्सेल जीरो होगा तो मतलब डीसी कैन इजिली पास टू इंडक्टर, डीसी इंडक्टर से इजिली पास हो सकता। यूनिट्स सेम होंगे रेजिस्टेंस वाले, क्यों, एक्सेल रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है। तो अगर आपको ई आर एम एस लिखना हो लिख सकते हो आई आर एम एस एक्सेल, ये एवरेज लिखना हो तो आप लिख सकते हो आई एवरेज एक्सेल, बट आप ई इंस्टेंटेनियस को आई इंटू एक्सेल नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों का फेज सेम नहीं है, ये अलग अलग फेज में, एक साइन में और एक किस में है बेटा, उसमें है। यूनिट ऑफ एक्सेल और आर मैंने आपको बताया ओम होंगे, डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है, ये डायमेंशन यहाँ से देखते हैं। थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक अपना प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो सब्सक्रिप्शन लें, लाइव एवी इज, बहुत जल्दी प्राइजेस हाइक होने वाले हैं, सब्सक्रिप्शन प्राइस हाइक होने से पहले पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लें। थैंक यू।